हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं आयरलैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई मुकाबले की। पहला मुकाबला बारिश की वजह से हुआ ही नहीं और दूसरा मुकाबला अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये वाला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम चांसेज हैं यहाँ पर रेन के। 3 बजे आपको इंडियन टाइमिंग के 3:15 पर आपको इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैच लाइव देखने को मिलेगा। 25 तारीख मतलब आज के दिन कैसल एवेन्यू आयरलैंड में आपको सारे के सारे और इसी ग्राउंड के ऊपर ना सारे के सारे मुकाबले आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला मुकाबला भी इस ग्राउंड के ऊपर हुआ था, दूसरा भी और तीसरा भी इसी के ऊपर होगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, बढ़िया आपको बैलेंस्ड पिच देखने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा रेन हो रही है उतना ही ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन है और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को स्टार्टिंग में बहुत मदद देखने को मिलेगी। स्पिनर्स अगर देखो पिच मैं बहुत ज़्यादा धूप अगर पड़ गई तो स्पिनर्स पक्का आपको पिक्चर में आते हुए दिखेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आखिरी के कुछ ओवर्स में स्पिनर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। 25 से लेके 40 ओवर्स तक स्पिनर्स का बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो, 49% ह्यूमिडिटी है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विंड चलेगी और विजिबिलिटी 10 किलोमीटर तक है और कोई भी चांस वैसे है नहीं आज के मुकाबले में रेन से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्कोरिंग रिकॉर्ड की अगर आप बात करो, 21 मुकाबले खेले गए हैं, 9 पहले बैटिंग करने वाली टीम, 10 सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम मुकाबले जीती है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर 203 रन बनते हैं। सेकेंड इनिंग के एवरेज की अगर आप बात करो तो 164 है। हाईएस्ट स्कोर 440, लोएस्ट स्कोर 80। डिफेंड अगर आप देखो तो 201 आराम से करा हुआ है टीम्स ने। आयरलैंड वुमेन की अगर आप बात करो, विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 प्लेयर्स हैं आपके पास, एमी और मैरी। दोनों के दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस रिसेंटली इतनी ज़्यादा बढ़िया और इतनी ज़्यादा खास नहीं रही है। एमी हंटर राइट हैंड बैट्समैन, 14 मुकाबले 300 रन, हाईएस्ट स्कोर 121, एवरेज 25, स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करो 84, 100 एक बार कर रखा है, 50 एक बार कर रखा है। रिसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 4 रन, 1 रन और 1 रन। फिर उसके बाद मैरी वेलड्रॉन राइट हैंड बैट्समैन, 55 मैचेस, रन अगर आप देखो 481, हाईएस्ट स्कोर 43, एवरेज 13, 0 और 20 रन की पारी। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। बैटिंग सेक्शन में गैबी लुइस बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलर आपके लिए। 34 मुकाबले, रन अगर आप देखो 942, हाईएस्ट स्कोर 96, एवरेज अगर आप देखोगे 31, स्ट्राइक रेट 66, 50 7 बार क्रॉस कर रखा है, ओवर अगर आप देखो 109 और विकेट 10। रीसेंट स्कोर 95 रन, नॉट आउट 10 रन और फिर 83 रन। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के होम ग्राउंड के ऊपर ये मुकाबले हुए थे जहां पर प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया, आयरलैंड के कुछ प्लेयर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। रेबेका स्टोकल की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 6 मुकाबले खेल रखे हैं, रन अगर आप देखो 52, हाईएस्ट स्कोर 22, एवरेज अगर आप देखो 8.66, स्ट्राइक रेट 42। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 8 रन और 0 रन। फिर उसके बाद लुइस लिटल, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। अब अगर आप देखो यहाँ पर 6 मुकाबले खेल रखे हैं, रन 13, हाईएस्ट स्कोर 8, एवरेज 3, स्ट्राइक रेट 35, ओवर 49, विकेट 1। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 0 विकेट, 1 रन के साथ 0 विकेट। फिर मुकाबले में खेली थी पर आपको बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं कर दे कर गई, 0 रन और फिर 3 रन। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, लॉरा डेनली कैप्टेंसी कर रही है अपनी टीम की, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 52 मुकाबले, रन अगर आप देखो 917, हाईएस्ट स्कोर 109, एवरेज अगर आप देखो 21, स्ट्राइक रेट 57, 50 3 बार क्रॉस कर रखा है, सेंचुरी अगर आप देखो 1 है, ओवर 189, विकेट 22। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 7 रन के साथ 0 विकेट, 1 रन, 40 रन के साथ 0 विकेट। ऑर्ला प्रीति गैस, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 14 मुकाबले, रन अगर आप देखो 229, हाईएस्ट स्कोर 37, एवरेज 25, स्ट्राइक रेट 79 का है, ओवर 30 और विकेट 4। क्या बॉलिंग करवाएगी? हाँ, कुछ ओवर्स आपको करवा कर देकर जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ ओवर्स नहीं करवा कर देकर जाएगी। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो तो यहाँ पर 16 रन के साथ 1 विकेट, 13 रन, 37 रन के साथ 0 विकेट। लिया पॉल लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 21 मुकाबले, 516 रन, हाईएस्ट स्कोर 137, एवरेज 24, स्ट्राइक रेट 57, 50 3 बार क्रॉस कर रखा है, अगर आप सेंचुरी देखो तो 1 बार, उसके बाद ओवर अगर आप देखो 85 और विकेट 6। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो, 2 रन के साथ 0 विकेट, 5 रन, 10 रन के साथ 0 विकेट और 65 रन। पिछले 3 मुकाबले इतने ज़्यादा खास नहीं रहे हैं बट उससे पिछले मुकाबले में 65 रन की आउटस्टैंडिंग हाफ सेंचुरी आपको देखने को मिली है। फिर उसके बाद ए कैली की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 11 मुकाबले, रन अगर आप देखो 118, हाईएस्ट स्कोर 34, एवरेज 14, स्ट्राइक रेट 57, ओवर 74, विकेट 8। रीसेंट स्कोर 8 रन के साथ 0 विकेट। फिर उसके बाद अगले मुकाबले में ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, 1 रन के साथ 1 विकेट। बॉलिंग सेक्शन में कारा म्यूरी बहुत बढ़िया प्लेयर है और इसकी सिलेक्शन भी बहुत बढ़िया है। राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक बॉलर आपके लिए,
19 मुकाबले रन्स अगर आप देखो 39 हाईएस्ट स्कोर 19, ओवर अगर आप देखो 130, विकेट 23, 5 विकेट हॉल एक बार, 19 रन के साथ 0 विकेट, 4 रन के साथ 3 विकेट। एवा कैनिंग राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 3 मुकाबले 26 रन, हाईएस्ट स्कोर 20, ओवर 16, विकेट 1, रीसेंट स्कोर 20 रन के साथ 0 विकेट और 6 रन के साथ 1 विकेट। जी डेमेंसली राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 9 मुकाबले खेल रखे हैं, रन्स अगर आप देखो 71, हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करो 45, स्ट्राइक रेट 79, 50 ओवर अगर आप देखो 58 और विकेट 5, रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 1 रन के साथ 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 5 रन के साथ 1 विकेट। एमी मैकग्योर राइट हैंड बैट्समैन, सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, मैच 1 ओवर 5 विकेट 2, रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। ये रिसेंटली जो एक ODI खेला था ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही था, 2 विकेट ODI में चटकाई थी और फिर 0 विकेट, और जो 2 विकेट चटकाई हैं वो ही इसके स्टैट्स हैं। जेन की अगर आप बात करो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 10 मुकाबले रन्स अगर आप देखो 9, ओवर 63, विकेट 5, रीसेंट स्कोर 0 विकेट, 0 रन के साथ 0 विकेट, 1 रन के साथ 0 विकेट। इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है, 5 मुकाबलों में विकेटलेस रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करो विकेट कीपिंग सेक्शन में 2 प्लेयर्स हैं, एलिसा हेली कैप्टेंसी कर रही है टीम की, राइट हैंड बैट्समैन, 97 मुकाबले रन्स अगर आप देखो 2667, हाईएस्ट स्कोर 170, एवरेज अगर आप देखो 35, स्ट्राइक रेट 100, हाफ सेंचुरीज 15 हैं, सेंचुरीज अगर आप देखो 5 हैं, रीसेंट स्कोर 7 रन, 13 रन और 8 रन। इंग्लैंड के खिलाफ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर देकर गई थी, बट एक बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर आपके लिए हो सकती है, बैथ मोनी लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 60 मुकाबले रन्स अगर आप देखो 2071, हाईएस्ट स्कोर 133, एवरेज 53, स्ट्राइक रेट 86, सेंचुरीज अगर आप देखो 3 और हाफ सेंचुरी यहाँ पर 14, 16 रन, 33 रन, 81 रन। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में इस प्लेयर की। फिर उसके बाद अगर आप एलिसा पेरी की बात करो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 134 मुकाबले रन्स 3571, हाईएस्ट स्कोर 112, एवरेज अगर आप देखो 50, स्ट्राइक रेट 76, हाफ सेंचुरीज 31, सेंचुरीज अगर आप देखो 2, ओवर अगर आप देखो 935, विकेट 162, 4 विकेट हॉल एक बार, 5 विकेट हॉल 3 बार, स्टार्टिंग में आकर आपको बॉलिंग भी करवा कर देकर जाएगी, 53 रन, 91 रन, 41 रन के साथ 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट रहा था जो एशिज रहा थी इसकी, बहुत बढ़िया रही थी। पी लिचफील्ड राइट हैंड बैट्समैन और सॉरी लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गूगली बॉलर, बहुत कम चांसेस हैं कि इस प्लेयर को बॉलिंग मिलेगी। 6 मुकाबले रन्स अगर आप देखो 193, हाईएस्ट स्कोर 78, एवरेज अगर आप देखो 48, स्ट्राइक रेट 86, 50 दो बार क्रॉस कर रखा है, हाफ सेंचुरीज 2 हैं, 1, 4 और 34 रन की पारी। इंग्लैंड के खिलाफ इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा था। ग्रेस हैरिस की अगर आप बात करो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 9 मुकाबले 15 रन, हाईएस्ट स्कोर 7, ओवर 65, विकेट 11, रीसेंट फॉर्म की अगर आप बात करो 25 रन, 9 रन, 0 रन, 3 रन के साथ 3 विकेट, 17 रन के साथ 2 विकेट। हो सकता है आपको कुछ कुछ कर देकर चली जाए ये प्लेयर अगर टीम इसे खिलाती है तो। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, एशले गार्डनर राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, 55 मुकाबले रन अगर आप देखो 781, हाईएस्ट स्कोर 67, एवरेज 25, स्ट्राइक रेट 116, सेंचुरी हाफ सेंचुरी अगर आप देखो 4, ओवर 374 और विकेट अगर आप देखो 67, रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 41 रन के साथ 3 विकेट, 33 रन के साथ 3 विकेट और उसके बाद 21 रन के साथ 3 विकेट। आउटस्टैंडिंग फॉर्म, पिछले लगातार तीनों मुकाबलों में 3-3 विकेट हॉल अपने नाम कर देकर गई है ये प्लेयर। टाइला मैकग्रैथ राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 25 मुकाबले रन अगर आप देखो 412, हाईएस्ट स्कोर 74, एवरेज 29, स्ट्राइक रेट 87, हाफ सेंचुरीज 2, ओवर अगर आप देखो 121 और विकेट 17, रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 26 रन के साथ 0 विकेट, 5 रन के साथ 0 विकेट, 24 रन के साथ 0 विकेट। एनाबेल सदरलैंड राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 18 मुकाबले रन अगर आप देखो 196, हाईएस्ट स्कोर 50, एवरेज 28, स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करो 78, हाफ सेंचुरी 1, ओवर 88, विकेट 16, 4 विकेट हॉल एक बार, रीसेंट फॉर्म 18 रन के साथ 0 विकेट, 50 रन के साथ 0 विकेट और 0 रन के साथ 0 विकेट। अभी के लिए फॉर्म एज अ बॉलर इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी इस प्लेयर की, पर आज के मुकाबले में रिस्क लेकर जा सकते हो अगर आपको ट्राई करना है तो। एच ग्रैम हैम राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 1 मुकाबला ओवर रन्स 4, ओवर 8, विकेट 1, रीसेंट फॉर्म की अगर आप बात करो 54 रन के साथ 1 विकेट, 41 रन के साथ 0 विकेट, 33 रन के साथ 0 विकेट, 109 रन के साथ 0 विकेट और 1 विकेट। ये सारे के सारे मुकाबले डोमेस्टिक थे, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी एच ग्रैमहम की। बॉलिंग सेक्शन में जी वेयरहम आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गुगली बॉलर, आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेयर,
26 मुकाबले रन अगर आप देखो 121, हाईएस्ट स्कोर 37, ओवर 192, विकेट 27, 14 रन के साथ 0 विकेट, 37 रन के साथ 1 विकेट, 12 रन के साथ 2 विकेट, 67 रन के साथ 4 विकेट, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है ये प्लेयर भी। जेस जोहेंसन लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 91 मुकाबले रन अगर आप देखो 606, हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करो 39, ओवर 689, विकेट 139, 4 विकेट हॉल 6 बार, 5 रन के साथ 3 विकेट और 30 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद एलेना किंग की अगर आप बात करो, राइट हैंड बैट्समैन लेग ब्रेक बॉलर आपके लिए, आखिरी के दो मुकाबले खेली थी, उससे ज़्यादा मुकाबले नहीं खेलती, पहला मुकाबला नहीं खेलती टूर्नामेंट का एशिस का ओडीआई सीरीज़ का, वहाँ पर अगर आप देखो तो दो मुकाबलों में आपको 4 विकेट लाकर देकर गई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, गेम चेंजर रही थी ये, जो 3 विकेट हॉल था ना इसका गेम चेंजर रहा था इस मुकाबले में। डार्सी ब्राउन राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म फास्ट बॉलर, 13 मुकाबले 86 रन, विकेट 20, 4 विकेट हॉल 2 बार, रीसेंट फॉर्म की अगर आप बात करो 0 विकेट, ये ओडीआई के स्टैट जो रिसेंटली इसने खेला, फिर 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है अभी के लिए T20 की अगर मैं बात करूं। किम गार्थ राइट हैंड बैट्समैन राइट मीडियम फास्ट बॉलर, 36 मुकाबले 450 रन, हाईएस्ट स्कोर 72, एवरेज 17 ओवर अगर आप देखो 190, विकेट 28, 4 विकेट हॉल 1 बार, रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करो 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 8 रन के साथ 1 विकेट और 32 रन। अभी यहां पर हम टीम डिस्कस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। यहाँ पर बेथ मुनी और एलिसा हेली दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं और फॉर्म बेथ मुनी की बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एलिसा हेली की मुझे पता फॉर्म बढ़िया नहीं है, बट स्टार्टिंग में आकर बैटिंग कर देकर जाएगी, बहुत बढ़िया प्लेयर है अपनी टीम के लिए। बैटिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, दो प्लेयर जो बहुत आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, ई पेरी और जी लुइस, ठीक है, इन्हीं के ऊपर स्मॉल लीग में ज़्यादा फोकस करना, ग्रैंड लीग में आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जैसे पी लिचफील्ड का एक ऑप्शन रहेगा और एल लिटल का एक ऑप्शन रहेगा, मैं इन दोनों को ही ट्राई करने वाला हूं ग्रैंड लीग में, इसके अलावा नहीं। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर आप बात करो, एशले गार्डनर, टी मैग्रा और यहां पर ओ प्रिटी गेस्ट। अब ग्रैंड लीग की मैं बात करूं या आपको डिफरेंशियल पिक बताऊं स्मॉल लीग के लिए ही, तो वो लॉरा डेनली है, बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकती है, किसी भी मुकाबले में आपको रन कर देकर जा सकती है। ए सदरलैंड लगातार एशिज में तीनों मुकाबले में ओडीआईज में विकेटलेस रही है, ये प्लेयर बॉलिंग इससे करवाई है, इस मुकाबले में आपको विकेट लाकर देकर जा सकती है, आउटस्टैंडिंग ऑप्शन हो सकती है, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को। फिर उसके बाद अगर आप देखो एल पॉल का एक ऑप्शन आपके पास रहेगा, एल पॉल भी आपके लिए प्योरली ग्रैंड लीग प्लेयर रहने वाली है। बॉलिंग सेक्शन जी ग्रैम हैम, फिर उसके बाद अगर आप देखो जे जोहेंसन, फिर उसके बाद एलना किंग और सी म्यूरी, यही चार ऑप्शंस हैं। डार्सी ब्राउन अगर पिक करना चाहते हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के 9 प्लेयर्स रख लोगे, बस इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया को ही फेवर करने वाले हो तो इसका मतलब आयरलैंड कुछ नहीं करेगी, और ऐसा होने नहीं वाला है, आयरलैंड के प्लेयर्स भी आपको कुछ ना कुछ कर देकर जाएंगे। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, एलेना किंग को तो मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, बट हाँ जस जोहेंसन या जी वेरहम को ड्रॉप कर अगर आप डार्सी ब्राउन को पिक करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, वो रिस्की ऑप्शन रहे हैं। कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी की अगर आप बात करो तो भैया यहाँ पर जो मैंने अभी के लिए दे रखी है वो एशले गार्डनर और वाइस कैप्टेंसी दे रखी है ई पेरी को, बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपके बेथ मुनी का भी है, जस जोहेंसन, जी वेरहम और टी मैग्रा, ये कुछ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए। एलिसा हेली, जी लुइस, ओ प्रिटी गेस्ट, एलना किंग और सी म्यूरी, अभी के लिए 8-3 का रेशो है मेरी टीम का। अपडेट जो भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर।